कोरोना टीका घरे हॉस्पिटल टीकाकरण नहीं अनुमति परे एबे टीका पाई दर धार्य होछि। घरे हॉस्पिटल कोरोना टीकार सर्वाधिक दर धार्य करिछन्ति केन्द्र सरकार। प्रति डोज टीकार दाम 250 टंका धार्य करा जायछि। गुरुत्वपूर्ण हेउछि सर्विस चार्ज 100 टंका को मिसाई प्रति डोज रो दाम 250 टंका रखा जायछि। अर्थात कोविड टीकार दुईटी डोज टीका पाई सर्वाधिक दर 500 टंका देबाक पड़िबो। पूर्व सरकार घोषणा करते टीका जमी देशर समस्त नागरिक नहीं पारे से ही अनुसार दर धार्य हो क्रम घर हस्पिटाल टीकाकरण नहीं केन्द्र सरकार सर्वाधिक दर धार्य कर। एबे आसंतु नजर पकाइने बा कहाँ को मिली पारिबो टीका। मार्च 1 रु वरिष्ठ नागरिक और गुरुतर रोगी को टीका दिया जिबो। 60 वर्ष रु अधिक वयस्क और गुरुतर रोग रे पीड़ित को मिलिबो टीका। पंजीकरण बेले पीड़ित को देबा को पड़िबो रोगर प्रमाणपत्र। हृदरोगी चिकित्साधीन डायबिटीज एवं उच्च रक्तचाप रोगी को टीका दिया जिबो। सेपरी सीटी स्कैन एमआरआई ब्रेन स्ट्रोक रो प्रमाण देखाइले मिलिबो टीका। 10 वर्ष रु अधिक वर्ष धरी डायबिटीज रे पीड़ित थिले मिलिबो। डायलिसिस हेउथबा एवं प्रतिरोधक बंधक नेउथबा किडनी रोगी सिकल सेल ल्यूकोमिया भली रक्तजनित रोगी को मिलिबो टीका। सेपरि थालासेमिया अस्थिमज्ज जनित रोगी को मिलिबो कोरोना टीका। एचआईवी ओ प्रतिरोधक शक्ति कम थिबा रोगी को टीका मिलिबो। बौद्धिक भितक्षम एसिड बलरे प्रभावित होइतिले टीका मिलिबो। 2020 जुलाई परे कर्कट रोगी चिन्हट होइतिले मिलिबो। चिकित्साधीन कर्कट रोगी को मध्य मिलिब कोरोना टीका। मार्च मस राज्य कोरोना गाइडलाइन जारी करिछंति राज्य सरकार। यात्रा पई मिलिछि अनुमति सर्वाधिक 2000 दर्शक को नहीं यात्रा होई परिबो। यात्रा बेले प्रति दर्शकों मध्य 6 फुट दूरता बाध्यतामूलक। यात्रा स्थल रे थर्मल स्कैनिंग एवं मास्क पिंधिबा मध्य बाध्यतामूलक करा जायछि। थंडा कोविड लक्षण श्वासक्रिया समस्या थिले दर्शकों यात्रा मना। अधिक लोकों नहीं समागम एवं सभा समिति मना। कौनसी कार्यक्रम में 500 अधिक लोक एकाठी होगा मना। आबद्ध क्षेत्र में स्थान क्षमतार अधा लोकों अनुमति मिल। मास्क पिंधा हाथ धुआ और सामाजिक दूरता नियम बाध्यतामूलक। धार्मिक स्थल में सर्वसाधारण पूजा को अनुमति देपार प्रशासन। भल लगला खुशी लगला जे जाओ सरकार अनुभव कले जे जदि सब खोली पारुची तले एठी खोलिवारे किछ असुविधा नाही। रोग बैरा कथा आज्ञा आसीबो से रोग समस्त भितर हबो आमे टिके जगरी कि चलिया कथा चलिगल जदि पार हे जिवा कलाकार बंची जिवा आज्ञा से मागुनो थिले हमकु खाइबा को दियो से मागुथिले हमकु माटी खंडे दियो जोडी ठिया के आमे नाचिबु प्रतिक्रिया जे एति के आमे अनुभव कलु सरकार आमो दाबी मानि नैछंती 3.5 लाख कलाकार जो 11 मास धरी दुखरे थिले सरकार आम दाबी मानि नैछंती सेति बा आमे बहुत खुशी नवीन सरकार को धन्यवाद जनाउछु। राज्य सरकार अनुभव कले जे 500 कलाकार मानकु नै केबे भी रंगमंच बंधाई पारिबो नै एथरे समस्तकर खेती हबो तेनो आमे सरकार को आम समस्या कहलु एवं समाधान रो बाट मध्य आमे देखेलु जे एही परिपेक्षी रे समाधान हेई पारिबो समस्त जीवन बंची जीवो एवं जीविका फेरी पाइबे। ये तो समस्त खुशी खबर आनी ओडिशा रो समस्त दर्शक समस्त वर्गर कलाकार मान खुशी खबर आनी आम धन्यवाद दौ प्रथम ओडिशा सरकार को पर धन्यवाद दौ जो मीडिया भाई मैंने गणमाध्यम भाई मैंने आम मान प्रति मुहूर्त खबर को पहुंचाते पाखे आम प्रथम अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊ। आज माननीय मुख्यमंत्री जो निष्पत्ति नहीं ये पखापाखी ओडिशा रे 50 रु अधिक यात्रा पार्टी जो माने अच्छा से उपकृत हे मु समस्त को अनुरोध करी कोविड रो नियम माने सरकार जो करी आगामी दिन को सेकेंड स्ट्रेन आसुच्छे तेणु सहयोग करने। हस्ता परवर्ती खबर को राज्य में अग्नि वर्षा जलुच्छ सारा ओडिशा। देशर उत्तप्त सहर पलटि राजधानी भुवनेश्वर। गतकाल सबुठ उत्तप्त सहर पलटि भुवनेश्वर। राजधानी तापमात्रा 40.6 डिग्री रेकर्ड कर राज्यर 5 तापमात्रा 38 डिग्री टपी पापाग विभाग कही 5 दिन पर्यंत उपर मुहां रारद।
पानीपाग संपर्क में अधिक अपडेट पर आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बड़ा। शुभलक्ष्मी जोभली भाव में उपरमुहा पारद और जोभली भाव में राजधानी होची देशर सबुठार उत्तप्त सहर 40 डिग्री तापमात्रा टपी जाइए तो कहीं राजधानी एभली स्थिति कहीं उत्तप्त सहर पलटुची राजधानी भुवनेश्वर कारण कौन रही पानीपाग विज्ञानी कौन कहते निश्चित भाव में दिन 10 पर बाहर को बाहर मुस्किल हो पड़ी जहाद्वारा लोक मैंने अस्तव्यस्त जनजीवन हो पड़ी कौन प्रतिक्रिया सामना आस देखो बर्तमान ओडिशा को आंटी साइक्लोनिक फ्लो रोची जहाँफल कि राजस्थान रो गरम वायु प्रवाह रोचे जहाँ प्रभाव में राज्य में बर्तमान तापमात्रा बढ़िवारे लगी गत किछि दिन हलाने आमे देखुचे सारा राज्य में तापमात्रा स्वाभाविक ठारु 3-4 डिग्री उपर रही तो यही स्थिति आहुरी 3-5 दिन पर्यंत जारी रापम्रा आहुरी बढ़ो जहाँ पाणीपाग केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान राजधानी भुवनेश्वर कथा जमी आप पचारे जदि आम भुवनेश्वर कथा देखा तो बर्तमान केवल राज्य नुहे सारा देशर उत्तप्त सहर पलटी राजधानी भुवनेश्वर आम देखी गत काली 40.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड सर्वाधिक तापमात्रा रेकर्ड केवल काली नुहे गत 21 तारिखर आम जदि देखा राजधानी तापमात्रा को जदि देखा गत 21 तारिखर लगातार भाव तापमात्रा बढ़ी चली तो यही भाव जदि आम देखा गत 10 वर्षर रेकर्ड को जदि फेब्रुआरी मासर राजधानी तापमात्रा को आकलन करवा 2016 सर्वाधिक 40.9 डिग्री तापमात्रा फेब्रुआरी 28 तारिखर रेकर्ड बर्तमान जदि आम देखा चलित वर्ष गत काली अर्थात फेब्रुआरी 27 तारिख में आम देखी 40 डिग्री अतिक्रम कर सारी राजधानी तापमात्रा जदि आम देखा तो जेहेतु जमी कहते आंटी साइक्लोनिक फ्लो रही से तापमात्रा बढ़ी चली तो यही स्थिति आगक आहुरी जारी रहिबो तो आवश्यकता नथिले घर खरार न बाहर परामर्श दि जाइए पानीपाग केन्द्र पक्ष सतर्कता रहा कहु कारण आम जब देखुचे दिन 9 ही ताती आरंभ हो जाए खरार प्रकोप एत मात्र रोचे जे घर बाहर जमी आप कहते घर बाहर निहती भाव कष्टर हो जाते मात्र तापमात्रा रोचे तो यही आगक जारी रही जहां सूचना रही पानीपाग केन्द्र पक्ष तेज आपत कहते कि यह स्थित लग रेहेतु पाणीपाग विभाग पक्षर कह लगातार देखा कि देशर उत्तप्त सहर पलटी राजधानी भुवनेश्वर धन्यवाद शुभलक्ष्मी आपण तमाम सूचना। विधानसभा गृहीत हो श्रीमंदिर परिक्रमा योजना मुख्यमंत्री यह योजनार संकल्प प्रस्ताव आगत करने सर्वसम्मति क्रमे यह गृह में पारित हो शासक दल विधायक माने दिन को ऐतिहासिक दिन बोली अभिहित करने सहित मुख्यमंत्री को जनाई धन्यवाद विरोधी भी यह योजना को कर स्वागत शीघ्र वास्तव रूप ने राज्य सरकार का मेगा प्रोजेक्ट श्री जगन्नाथ ऐतिह करिडर प्रकल्प जोरसोर आगे चलो प्रकल्प कार्य कारण प्रकल्प कार्यकारिता नहीं गोटे पर गोटे औपचारिकता शेष हो विधानसभा सर्वसम्मति क्रमे पारित हो श्रीमंदिर परिक्रमा योजनार संकल्प प्रस्ताव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जगे विधानसभा श्रीमंदिर परिक्रमा योजना उपस्थापन करते मुख्यमंत्री रखि मोट तीन संकल्प प्रस्ताव प्रस्ताव नंबर एक श्रीमंदिर परिक्रमा योजना को संपूर्ण करने समस्ते संकल्प नवा और निष्ठार सह कार्य प्रस्ताव नंबर दुई प्रति ओडिया और श्रीजगन्नाथ प्रेमी महाप्रभु कार्य सामिल होगा और निजर किसी अवदान रखा प्रस्ताव नंबर तीन श्रीमंदिर परिक्रमा योजना पर त्याग कर पूरीवासी को आंतरिक धन्यवाद जन मुख्यमंत्री कहते जस्टिस बीपी दास कमिटी श्रीमंदिर निरापत्ता करिडर पर जिते सुपारिश कले से तीन लक्ष्य श्रीमंदिर परिक्रमा योजना कथ चिंता कर श्रीमंदिर निरापत्ता भक्तों सुरक्षा और दर्शनार्थी सुंदर आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि योजना प्रस्तुति पर श्री गजपति महाराज सहित सेवायत और पूरी बासिंदा सहयोग और समर्थन पर धन्यवाद जन मुख्यमंत्री निरापत्ता करिडोर पर सुपारिश कले से तीनोटी लक्ष्य नहीं श्रीमंदिर परिक्रमा प्लान विषय चिंता करा जाइथिला से गुड़ी को हैला वन श्रीमंदिर निरापत्ता टू महाप्रभु को दर्शन पर आसुथिबा लक्ष्य लक्ष्य भक्त मान करो निरपता
श्री भक्त मानको पाई एक सुंदर स्पिरिचुअल परिवेश सृष्टि। मुख्यमंत्री संकल्प प्रस्ताव आगत करने समर्थन करते विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक से कहते ओडिशार परिचय श्रीक्षेत्र को सारा पृथ्वी देखा उचित श्रीक्षेत्र को विश्व दरबार श्रेष्ठ करने समस्ते योजनार कार्यकारित सामिल होगा दरकार। मुख्यमंत्री प्रस्ताव को समर्थन कर कंग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र कहते ओडिशार परिचय ओडिशावासी भावावेग जड़ित महाप्रभु श्री जगन्नाथ क्षेत्र विकास उद्दिष्ट योजना को सफल रूपायन कर समस्त व्यक्ति को धन्यवाद देवा दरकार। शासक दल विधायक आजिर दिन को ऐतिहासिक बोली अभिहित करिसंती जे जते बेले शासन गादी रे रहे तार सब क्षेत्र को निरीक्षण करी ठीक करी के सुंदर करी परिवेश तारु आरंभ करी नीति नियम को सुधारी बार तार परम कर्तव्य हेतिबा कारण आमे ए काम रे शामिल हेबा। इज रियली एन एक्सेलेंट जॉब, देयर इज नो ट्रू डिस्प्यूट अबाउट दैट, देयर इज नो ट्रू ओपिनियन अबाउट दैट, नोबडी कैन डिस्प्यूट, इट्स एन एक्सेलेंट वर्क। Everybody who has contributed for this, जनप्रतिनिधि माने आपण के अध्यक्षतारे ताकु आज आपण मान्यवर विरोधी दल नेता मान्यवर कांग्रेस दल नेता मध्य ताकु सर्वांतकरण रे समर्थन करिसेंति सेति पई धन्यवाद दउछि। श्रीमंदिर परिक्रमा योजना मेघनाद पाचेरी ठार 75 मीटर मध्य अनेक सौंदर्यकरण कार्य श्री जगन्नाथ ऐतिह करिडर प्रकल्प दुईट पर्यायर खर्च हो 800 कोटी टंका। प्रकल्प संपर्क में 2019 अक्टोबर 19 कैबिनेट रे घोषणा करते मुख्यमंत्री 2021 जनवरी 21 तारीख से यार मास्टर प्लान चूड़ांत होता गत 15 तारीख से श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक में यह अनुमोदन लाभ कर। भुवनेश्वर कैमेरामैन गौरव प्रसाद राजगुरु महेश प्रसाद नंद न्यूज 18 ओडिया। श्रीमंदिर परिक्रमा योजना प्रकल्प काम डेडलाइन भितर शेष हो विधानसभा योजना प्रकल्प पारित पर जिलापाल प्राय 800 कोटी टंका विनिमय प्रकल्प कार्य आसंता जून 1 रु आरंभ हो तेज 75 मीटर ऐतिह करिडर में बड़का जमी अधिग्रहण खूब शीघ्र भक्तों सुरक्षा पूरी सहर उन्नति सहित पर्यटन विकास उद्देश्य प्रस्तावित एक प्रकल्प पर मुख्यमंत्री को साधुवाद जनाई सेवायत। श्रीमंदिर परिक्रमा योजना प्रकल्प विधानसभा पारित एवं चलो प्रकल्प कार्य जून पहलू प्रकल्प कार्य आरंभ करने को अंटा भिड़ी जिला प्रशासन जिलापाल प्रकल्प पर खूब शीघ्र राज्य सरकार जातीय स्मारकी प्राधिकरण एएसआई और पिकेडीए ठारु अनुमोदन आणवे एजाए 87% जमी अधिग्रहण सरी 37 पर जमी देवा अराजी होती। मुख्यमंत्री विधानसभा योजना संपर्कित तो सविशेष तथ्य रखा पर विस्थापित तो माने जमी देवारे समस्या सृष्टि करेंगे ना बोली आशा रखिंट जिलापाल वरिष्ठ सेवायत तथा तो श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य कहते गत 15 तारीख में श्रीमंदिर परिक्रमा योजना चिठा श्रीमंदिर महाप्रभु को समर्पण कला बेले श्रीजीवों मथु खसी पड़ा माड़ सेबेठू संकेत मिलता योजना महाप्रभु इच्छा आगौ जमी दान करने को आरंभ मुख्यमंत्री अनुरोध करते एवं मुख्यमंत्री योजनार रूपरेख और उद्देश्य संपर्क में स्पष्ट करने विस्थापित तो माने जमी दान करी निजक गौरवान्वित मन कर एक्विजिशन प्राय 75 मीटर कॉरिडोर प्राय कंप्लीट हो जाएगी जहाँ टिके टिके एलिमेंट्स रोचे सेटा को भी हमें कंटिन्यूअस नेगोशिएशन करके अतिशीघ्र सारिबू एथरे हमें कंपलसरी लैंड एक्विजिशन और डायरेक्ट परचेज दुईटा रूट्रे जाऊ पवित्र कार्य ये जो पवित्र कार्य पे जो आम जो विशेष भाव में आज दिन में मुँह अत्यंत आनंदित कारण मुझे किसी स्वार्थ त्याग करी मोर गोटे बड़ घर टे जा प्लांटा को लेकिन जाइए महाप्रभु को प्रथम स्वीकृति पाइला जे आज विधानसभा है आप्रूव पर पठा जा से महाप्रभु को निर्देश आज्ञामल छिड़ा यहाँ महाप्रभु को निर्देश नहीं हो जहाँ आम हृदबोध हो 75 मीटर ऐतिह करिडर 55 मीटर परिसर में समस्त जानवाहन को निषेध कर 55 मीटर पर सुंदर रास्ता निर्माण करा बैटरी चालित गाड़ी निःशुल्क भाव प्रचलन होगन्नाथ अभ्यर्थना कक्ष प्रतिष्ठा कर प्राय 6000 भक्तों पर समस्त मौलिक सुविधा जोगाइ दिया छड़ा प्राय 4000 परिवारवर्गों पर सुरक्षा व्यवस्था ब्लॉक रूम बैगेज स्कैनिंग व्यवस्था कर श्रीमंदिर चारिपाखरे शौचालय एटीएम व्यवस्था हेल्प डेस्क पुलिस सेवा व्यवस्था भजन और संस्कृति मंडप निर्माण करा जिवो मठ मंदिर पुनः विकास
କଳିଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବଡ଼ଛତା ମଠ ଓ ଛାଉଣି ମଠକୁ ପଥରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଥର ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଏହାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଜିନିଷ ସରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅଛି, ଶେଷ କରିବାର ଅଛି, ତା'ର ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ତାକୁ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯେତିକି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାହା ଲୋକ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସରିଛି, ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାରରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହି ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ୍ରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଇକେଲରେ ଆସି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିଲା, ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହା ଫୁଟିନଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସାଇକେଲରେ ଆସି ଯୁବକ ଜଣକ ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୋଲିସ ବୋମା ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ଭିଜୁଆଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଉଜରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ତାହା ପୁଣି ଖୋଲାଖୋଲି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିବା 23 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ 5 ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ 23 ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଦଳ ବାବଦରେ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳକୁ ଟାଣ କରିବା ଏହି ମେଳିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କପିଲ ଶିବଲ। ଗୁରୁ ରବି ଦାସ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜାମ୍ମୁରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଳିରେ କପିଲ ଶିବଲ, ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ହୁଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ 23 ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସୋନିଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଦଳକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे, हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है, ये तो सच्चाई की बात है। और इसके जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हम गांधी जी की छत्र छाया में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही है। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं, लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍। ଏହି ଲିଗ୍ରେ ମୋଟ 30 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 6 ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ସାଇ ଏସ୍ଟିସି, ଓଜିପି କ୍ଲବ, ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ଲବ, ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ। ପ୍ରତି ଟିମ୍ 2 ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ବିଜୟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବେ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 27 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏହି ଲିଗ୍। ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଅବସରରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ର ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛଅଟା ଟିମ୍ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଓ ଯେଉଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱିମେନ୍ସ ଲିଗ୍ରେ
पार्टिसिपेट करेंगे एंट्री पाइबे डायरेक्ट सो 30 दिन प्रोग्राम अच्छी प्रत्येक टीम दीटा मैच खेल एंड आम आशा कर गोटे जेहेतु जस्ट कोविड चली एटा स्पोर्ट्स जगत रे गोटे एक्साइटमेंट क्रिएट कर वुमेन्स लीग गोटे बहुत बड़ प्लाटफर्म आमपाई जहाँकि समस्ते ये पार्टिसिपेट करपारती आते भल परफॉर्मेंस देकि इंडियन वुमेन्स लीग रे मनोनीत हो था तो यहाँ बहुत आमपाई भाग्यशाली ये मोमेंट जो कि आम उपर लेवल पर्यटन पहुँची पारे दुईटा टीम मिसिकी करूँ ना तो कम्युनिकेशन पर भी टी प्रोब्लेम होते दिन भी रखिंट गोटे मस खेलटा तो भल लगुच कि आम रेस्ट नहीं कि आहरी प्राक्टिस करम्युनिकेसन करेल आते अर्गानाइज कर अजणा रोग से छटपट हो 13 मासर शिशुकन्या आद्याशा अर्थाभावर हो पारुनि चिकित्सा जन्मकला माँ एभली अवस्था छाड़ बाप घर को चलीगला आ बापा एबे कुनी झियो को धरी चिकित्सा पाई सबुठी गुहारे करुछि एबले करोना दृश्य सामना को आसीछि नयागढ़ नुआगाम ब्लॉक माली सरकारो आद्यासा बयस मात्र 13 मास हेले एही बयसरे मध्य असह्य कष्ट पाउछि एही कुनी शिशु कारण बापा पाखरे चिकित्सा करबा को अर्थ नाही आउ माँ एभली अवस्था छाड़ी चली जाइए बाप घर को नयगढ़ नुआगा ब्लॉक मालीसर गाँव में रोकता दिलीप बेहरा निज कुनी झीर चिकित्सापी जिलापा आरंभ कर स्वास्थ्य विभाग पाखरे निवेदन कर सारे एजाए कौठ भी सहायता मिलनी भांगी जा सत हेले आशा छाड़ी ना ब्रेन इनफेक्शन हो पा जमीजे जहाँफल से बसी पारे गुटुम कि गुरु किसी कर कि फल किसी करन इच्छा सी अनुसंट आ मु बहुत पैसा भी खर्च कर जिलापा को अनुरोध करुच्ची छुआ को किमी मेडिकल चिकित्सा कराखपाखे हाथ जोड़ी मुझे विनम्र अनुरोध कर जन्म परठ अजणा रोग से पीड़ित आद्याशा निज सामर्थ्य अनुसार चिकित्सा कराइबा चेष्टा कले दिन मजूरी बापा हेले पारना अन्यठू साहाज्य आशा रखि दिलीप को निज पत्नी भी तांकु छाड़ी बाप घर को चलीगले तेणु झीर जत्न नेबे ना कामधंदा को जिबे बुझी पारु नहंती दिलीप सेपटे जिलापा निर्देश पर मालीसर गाँव को जाई आद्याशार स्वास्थ्यगत समस्या बुझिछंती जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी ब्लड सर्कुलेशन हो पारुनि ब्रेन को ब्रेन में मध्य किछ प्रॉब्लम रहुची पानी फाणी जमी थई पारे एवं स्पाइनल कॉर्ड मध्य इंजुरी रहुची आई थिंक इज माने सफरिंग इज वेरी क्रिटिकल कंडीशन सरकार तरफ से बोले 25,000 टंका सहाय पाई या पर रिपोर्ट देलापर आउ जहाँ किसी जी दि जाए से चेस्ट करूँ बाकी से छुआ को तुम RBS टीम से लिंक कराई तार सब प्रकार तर कमी से तार डेभलप कराहब से आम से जगह सहित रखा करें साय कर कुनी बयसरे कष्ट पाउछि आद्याशा सरकारी साहाज्य मिलिले हुए तो कष्ट दूर हो पारंता नयगढ़ नवकिशोर मिश्र न्यूज 18 ओडिया विभागीय अधिकारी अवहेला जो अंधकार 30 छात्री भविष्य अभियोग समन्वित आदिवासी उन्नयन संस्था द्वारा मनोनीत गजपति जिलार अनेक पिला नर्सिंग पढ़ाक भुवनेश्वर जाते हैं पाठ सर तीन वर्षर अधिक समय बीती सारी सार्टिफिकेट मिलूनी एने ITDA ठार आरंभ कर जिलापा जाए दृष्टि आकर्षण तथापि समस्या समाधान हो वैषयिक शिक्षा हासिल करी स्वावलंबी हेबे छात्री एई आधार रे 2014-15 शिक्षा वर्ष रे गजपतिर अनेक आदिवासी छात्री को विभिन्न स्थान को पठा जाइथिला सेथि मध्यरु 30 जन को भुवनेश्वर स्थित एक घरोई नर्सिंग कॉलेज को पठाइथिला ITDA 2018 रु पाठ पढा सरिलाय अभिजोग हेउछि 3 वर्ष परे मध्य छात्री को पाठ्यक्रमर प्रमाणपत्र मिली नाही फलरे सेमाने कोनोसी कामधंदा करि पारु नाहंती एनै कॉलेज कर्तृपक्ष कहउछंती ITDA टंका देइ नाही घटना संपर्क में जिला प्रशासन दृष्टि आकर्षण करते कि लाभ मिल ना अभियोग करी
आईटीडीआ तरफ भुवनेश्वर श्री विद्या निकेतन पात्रपड़ा भुवनेश्वर जाइली नर्सिंग करने को 2014 15 बैच 2018 मोर सरला किंतु एपर्यंत आमर कौन सर्टिफिकेट मिलनी आमको सर्टिफिकेट दि जाऊ कहीं आम 2014 रु जा 2021 कहीं आमको सर्टिफिकेट दौना जिते थर एग्जाम देल से गोटे भी सर्टिफिकेट सरी रिजल्ट बाहर करना तो आम मैंने बारम्बार कहलु तो कहले तुम बाहर कितु एत अधर्य कहीं हूँ तो सरला भी जिते आम फास्ट इयर नुह कि सेकेंड इयर नुह थर्ड इयर नुह गोटे भी रिजल्ट बाहर तो आम कौन कर खाली कौन तुम टाँचा देना आई टी डी तो कौन सर्टिफिकेट देवे भविष्य को नहीं चिंतित 30 आदिवासी छात्री जहाँ को नहीं असंतोष प्रकाश कर स्थानीय बुद्धिजीवी सेपटे घटनार समाधान पाई सरकार को जणाजीबा सहित संप्रुक्त कॉलेज कर्तृपक्ष सहित आलोचना करा बोली कहते पारला खेमुंडी आईटीडीए रो प्रकल्प प्रशासक पिलामानकर अभियोग उपरे मध्ये आमे संगे संगे ताको तुरंत पदक्षेप ग्रहण करके आमे कलेक्टर सिग्नेचर मध्ये गोटे गवर्नमेंट को मध्ये आमे जणैछु एवं या मध्ये आमे एटा मध्ये आलोचना करूछु कि आमे से वर्तमान से जो इंस्टिट्यूट को मध्ये ताकर डायरेक्टर को मध्ये आमे मीटिंग पई डाकिबु पिलामानकर इशू कोन हिछ आमे ताको निश्चित भाबरे पदक्षेप नबु ताको घटनार तदंत करा जाई दायी अधिकारी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने विभिन्न महल रे दाबी हेउछि गजपति वासुदेव दास न्यूज 18 ओडिया। कोविड महामारी परस्पर मध्ये